अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिल सके, वो भी बिल्कुल फ्री। आज मैं बनाने जा रही हूँ आमलेट। आमलेट बनाने के लिए आपको जो अज़ा चाहिए वो नोट कर लें। मैं एक अंडे का आमलेट बना रही हूँ। आप इसी क्वान्टिटी के हिसाब से अंडा इनके में इन चीज़ों की मिकदार बढ़ा भी सकती हैं। मैं एक अंडा ले रही हूँ, इसको आप चेक कर लें, पानी में डालें। अगर पानी में ये अंडा बैठ जाए तो ये अंडा सही है। अगर अंडा ऊपर आ जाए, पानी की ऊपर वाली सतह पर आ जाए, तो ये अंडा खराब होगा। मैंने एक अंडा लिया, उसके बाद इसमें मैंने दो सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं, दो सब्ज मिर्चें डालने के बाद मैं इसमें एक टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर बारीक बारीक काट लें। एक टमाटर डाल रही हूँ, एक छोटा सा टमाटर डाला मैंने, और प्याज छोटा सा आधा, इसको ये देखें मैंने ऐसे काटा, इसके दो पीस किए, ये देखें दो कट लगाए। कट लगाने के बाद अब मैं इसको बारीक बारीक काट लूंगी, ये देखें तो मैं बारीक बारीक काट लूंगी। प्याज बारीक बारीक काट लिया, प्याज काटने के बाद मैं इसमें लाइट सा कलर देने के लिए थोड़ी सी हल्दी, हल्दी बहुत चुटकी सी हल्दी मैं डाल रही हूं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं, नहीं भी डाल सकती। और इसमें मैं डाल रही हूं जीरा, आधे से भी आधा, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन पॉन्ड्स वालों का ऑलिव ऑयल, ये कुकिंग ऑयल है, फ्यू ड्रॉप्स, आप इसे भी स्किप कर सकती हैं, आप डालडा कुकिंग ऑयल भी डाल सकती हैं। और मैं इसमें नेशनल वालों का आयोडीन नमक डाल रही हूँ, हाफ से भी हाफ टीस्पून, और मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सब्ज मिर्चें दो डाल दी थी, तो ये भी मैं बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ। आप चाहे काली मिर्च भी डाल सकती हैं, लाल मिर्च नहीं डाल सकती। तो अब मैं इसको मिक्स करूंगी, इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसको मिक्स करने के बाद टमाटर को भी मैं इसमें अच्छी तरह मैश कर दूंगी ताकि मुझे तवे पे मेहनत ना करनी पड़े। ये देखें टमाटर इसमें मैश हो गए हैं, सब्ज मिर्चें भी मैश हो गई हैं, प्याज भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी नमक और डाल देती हूँ। इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक ऐसा मैजिक जो आपने कभी किया नहीं होगा, मैं इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल रही हूँ। मीठा सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये मैंने डब्बी में डाल के महफूज कर लिया हुआ है। मीठा सोडा इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। इस पे इसके इस अमल से इतना सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा ये ऑमलेट कि बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और ख़ासकर पराठों के साथ या गरम गरम
तंदूरी नान के साथ जब ये खाया जाता है तो बहुत लजीज लगता है। अब मैं चूल्हे पे तवा रख के आग जला रही हूं। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने तवे पे थोड़ा सा घी डाल दिया है, इसको मैंने बिखेर दिया घी को चारों तरफ से। बिखेरने के बाद अब मैं इसमें ऑमलेट डाल दूंगी। ऑमलेट डालने के बाद अब आप देखिए कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये देखिए। अब मैं इसको घेरती जाऊंगी। अभी पकड़ा है, मैं इसको इक्वल कर दूंगी, पॉइंट बराबर कर दूंगी। ये देखिए कितना जबरदस्त बने। अभी ये पकड़ा है, जरा मैं तेज कर रही हूं ताकि जल्दी बने। अब आप देख सकते हैं कि मैं अब इसको कैसे रोल करूंगी। ये देखें, मैंने इसको रोल कर दिया ऐसे। रोल करने के बाद अब मैं इसको इस साइड से भी ऐसे रोल कर दूंगी। अब ये समोसा रोल बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना जबरदस्त खुशबू, बहुत ही यमी है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये देखें, ये मेरा समोसा ऑमलेट रेडी हो गया। ये देखें, अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी ताकि इसका घी अच्छी तरह निकल जाए। नीचे से आग बंद कर दूंगी। तो लीजिए व्यूअर्स, मेरी समोसा ऑमलेट विद केचप, नेचुरल टोमेटो केचप के साथ, ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कितना जबरदस्त, और ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें इतना सॉफ्ट समोसा और केचप और मेयोनीज के साथ, बहुत टेस्टी। तमाम इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट डले हुए हैं, जबरदस्त। आपको मेरी रेमेडी, आपको मेरी ये कुकिंग रेसिपी अच्छी लगेगी। एक समोसा रेसिपी है ये। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।